नमस्कार, आप देख रहे हैं kyanpost.com। JEE मेंस एग्जाम में 99.8% लाकर टॉप करने वाले असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उसके डॉक्टर पिता को फर्जीवाड़े के आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया है। मामले में दर्ज FIR के अनुसार आरोपी ने अपनी जगह किसी और से परीक्षा दिलवाई थी। पुलिस ने आरोपी, उसके पिता के अलावा 3 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने उसकी मदद की थी। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जिसमें वह परीक्षा में टॉप करने के लिए हथकंडे का जिक्र कर रहा था। इस मामले में दिसपुर के मथुरा नगर निवासी मित्रदेव शर्मा ने अजरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसकी कॉपी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को भेज दी गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 5 सितंबर 2020 को परीक्षा देने के लिए सेंटर पर आया था, लेकिन बायोमेट्रिक सिग्नेचर और आंसर बुक पर अपना रोल नंबर लिखने जैसी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वापस बाहर निकल गया और उसकी जगह किसी दूसरे ने परीक्षा दी। इस पूरे फर्जीवाड़े में सेंटर के इन्विजिलेटर भी शामिल थे और बताया गया है कि इस फर्जीवाड़े में ग्लोबल एज्यूलाइट नाम के इंस्टीट्यूट की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। IIT सहित देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के आरोप में असम टॉपर नील नक्षत्र दास, पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास के अलावा प्रांजल कालिता, हेमेंद्र नाथ शर्मा, हिरुलाल पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को इस मामले में किसी बड़े रैकेट के शामिल होने की भी आशंका है। kyanpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।